विद्यानगर से आप चुनाव लड़ेंगे, कैसा जल्दी काट, एक नया जो है टारगेट मिला है अब? हाँ काट जल्दी काट। ये जो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। जिम्मेदारी मिली है, पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूँगी। और विद्याधर नगर, वैसे तो मैं जयपुर की बेटी ही हूँ, जयपुर की हूँ, और इस बार जयपुर का, जयपुर की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया है और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। मैम सांसदों को टिकट दिया है, इस बार पहला प्रयोग है इस तरह का कि सांसदों को साथ साथ सांसद उतारे हैं, क्या लगता है किस तरह से मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि सांसद पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं, अब एक विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं? नहीं क्यों नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ भी पार्टी ने उचित समझा है वहाँ पर उस प्रत्याशी को उतारा है, चाहे वो सांसद है या पार्टी के कोई पदाधिकारी हो, तो ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, संगठन का सबका मिलकर एक निर्णय किया गया है। और बिल्कुल मैं मानती हूँ जो पार्टी निर्णय करती है हम उस हिसाब से हम उसकी पालना करते हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि ये सीट तो एक तरह से पिछली बार यहाँ पर बीजेपी के MLA थे, तो जीतने का तो क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जीते किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे यहाँ पर? देखिए जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे, मुझे लगता है MLA की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि स्थानीय मुद्दे क्या है उनको उठाना, उनके बारे में क्या एक विजन के साथ में उनके बिल्कुल बीच में जाऊंगी। इसके अलावा जो हमारे राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिला अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी आएगी और सबसे पहले उसी पे काम करेगी कि उसका हम लोग क्या ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे कि महिला अत्याचार जो बढ़ा है वो बंद। सर महिलाओं सात सांसद दी गई लिस्ट में इस बार? बिल्कुल प्रायोरिटी, अभी तो एक ही लिस्ट आई, अभी तो और लिस्टें आएंगी। और मुझे देखिए महिलाओं को जो एक अधिकार दिया है, महिलाओं को एक इतना बड़ा जो एक वरदान मिला है जो मोदी सरकार ने दिया है, महिला जितना उनका धन्यवाद करे उतना कम हो, तो वो तो इतना बड़ा काम हुआ है। और निश्चित रूप से महिलाओं को संगठन में भी हमेशा जिम्मेदारी मिलती है और अभी चुनाव लड़ने के समय भी जिम्मेदारी। क्या आपको लगता था कि विद्यानगर सीट से ही आपकी दावेदारी रहेगी और उसको लेकर, या फिर पार्टी का फैसला है? पार्टी का ही फैसला। एक सवाल और उठा, तो तैयारी की थी इससे? नहीं ऐसा नहीं, देखिए मुझे तो पहले भी जब मैं सवाईमाधोपुर से लड़ी पार्टी का ही निर्णय था, राजसमंद भी था, और ये बिल्कुल जहाँ से पार्टी मुझे जो भी काम देती है मैं पूरी तरह से अपने पूरे एफर्ट से वो काम करती हूँ। क्या लगता है अभी 7 सांसद उतारे हैं, इनसे कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? मैंने जैसे कहा कि फायदा, तो देखिए जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी का बहुत अच्छा एक वर्चस्व है, उनका अच्छी पकड़ है, और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के। मैम मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री? ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा मैम एक मिनट, 41 की सूची दी है आज, पहली सूची, क्या लगता है कि कितने सीटों पर आप बीजेपी यहाँ पर जीतने की संभावना है, कितने? सारी सीटों बीजेपी बहुत मजबूत है और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है।